हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में आइडिया लोगो डिजाइन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे सामने क्या है, तो एक ब्लैंक न्यू पेज ओपन है। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसमें लोगो को क्रिएट करना है। तो लोगो क्रिएट करने के लिए हम लोग को आना है इंसर्ट मेनू में, उसके बाद शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद हम लोग को फ्लो चार्ट में आना है और यहाँ से फ्लो चार्ट कार्डिकल शेप सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेज में हम लोग को एक्सेप्ट को क्या करना है, तो अपने ज़रूरत के अनुसार से साइज आपको फिक्स कर लेना और इंसर्ट कर लेना है। ये हमारा शेप्स क्या हो चुका है, तो बन चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में हमारा रोटेशन पॉइंट है, जिसको पकड़ के आपको शेप्स को क्या करना है, तो रोटेट करना है। तो इसको आप मूव कर लीजिए डॉन में कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे सेट करते हैं, ऊपर में टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो हम लोग को क्रसर को मूव करना है, यानी डबल क्लिक कीजिएगा तो क्रसर आपका पेज में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को आना है इंसर्ट मेनू में, वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पे आना है और वर्ड आर्ट स्टाइल 8 हम लोग को सेलेक्ट करना है। वर्ड आर्ट स्टाइल में आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा बोल्ड इटैलिक का। तो पहले तो जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसको टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आइडिया टाइप कर रहे हैं। याद रखिए सारा कैरेक्टर हमारा जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोग को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और यहाँ पे साइज सॉरी फॉन्ट हम लोग को चेंज कर लेना है। अभी देख सकते हैं कि आइडिया लिखा हुआ है, लेकिन किस तरीके से आइडिया हमारा इस तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉन्ट हम लोग को चूज़ करना है एरियल का, एरियल यूनिकोड एमएस, या फिर डायरेक्ट आप एरियल भी रख सकते हैं। उसके बाद ओके, तो ये हमारा आ चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसमें शेडो का इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे शेडो इफेक्ट में आकर ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन है क्योंकि देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है, येलो कलर से दिखा रहा है, तो इसको हम लोग को ऑफ कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग पे आना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, साइज को हम लोग को क्या कर लेना है, तो बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसी को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। फिर आप सेकंड वाले से टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे आना है और इसमें हम लोग को सिर्फ आई रखना है। उसके बाद ओके कर देना है कुछ इस तरीके से। साइज हम लोग को क्या कर लेना है, तो छोटा कर लेना है जितना साइज आपका बैक वाले का है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो सेकेंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट। अब इसमें हम लोग को आई को सिर्फ रिमूव कर देना है और डी ए को रखना है, डी ई ए, उसके बाद ओके। इसका भी साइज हम लोग को क्या कर लेना है, तो अपने अनुसार से एडजस्ट कर लेना है कितना आपको रखना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आई को हम लोग को क्या करना है, तो कलर करना है शेप फिल ब्लू कलर, सिर्फ ब्लू, पहले से ये डार्क ब्लू है। उसके बाद डी ए को सिलेक्ट करना है शेप फिल ब्लैक कलर। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट में जो हमारा आई है इसको हम लोग को रोटेट करना है, तो रोटेशन पॉइंट ऊपर है, इसको पकड़ के हम लोग को रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से नॉर्मल। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिए आप सही से लेफ्ट राइट। उसके बाद दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ग्रुप करना है, तो फॉर्मेट मेनू ग्रुप ऑप्शन और इसमें से हम लोग को ग्रुप कर लेना है। तो ये हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, तो शेप्स में एडजस्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को ऐड कर लेना है
उसके बाद हम लोग को शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में आना है, शेप फिल एलो, अगर आप और कम करना चाहते हैं तो मोर फिल कलर, और एलो का जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद तो हम लोग हाईलाइट ही रखते हैं, ये नॉर्मल। उसके बाद शेप आउटलाइन विड्थ अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4:1:2 PT ले रहे हैं। उसके बाद टेक्स्ट को एडजस्टमेंट आपको देख लेना। तो ये हमारा आइडिया का लोगो डिज़ाइन बनकर तैयार है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आइडिया लोगो डिज़ाइन आप लोग भी बनाना सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।